हेलो पीएससी एस्पिरेंट आपण मानक आमर ये पार्ट जो आपणकर पेपर अच्छे पॉलिटिकल साइंस ओपीएससी पीजीटी थर्ड पेपर को स्वागत रहिबो एवं आशा करथिबि आपण माने पेपर सेकेंड एवं पेपर सेकेंड रिइवैल्युएट क्वेश्चन एवं तार वीडियो को आपण देखिथिबे आपणकर आंसर को निजे निजे मैच करथिबे केते कोन स्कोर रहिथिबा ताकु मध्ये आपण कैलकुलेट करथिबे एवं मुझे जहाँ कहली आप बुझीपारे ठीक अच्छे। तो आज हूँ आपणकर पेपर थर्ड पॉलिटिकल साइंस रो पेपर थर्ड रो आम पेपर एनालिसिस करने को जाऊँ बहुमूल्य समय को मु अतिवाहित नक बहुत शीघ्र क्वेश्चन स्टार्ट करने आपणर कर्तव्य रोज जे आप पेपर को धरवे ठीक अच्छे बुझला ना ना। तो पेपर को धरला कौन आंसर कहकु मैच करेंगे एवं आपन जो कन्फ्यूज हो फिल कर क्वेश्चन रे डाउट अच्छी किंबा रॉन्ग आंसर लगुच मत कमेंट सेक्शन में जनइबे आगे रेक्टिफाई कर पुणी थे आपको आ गए वीडियो आनीदेवि। तो यहाँ हूँ आप उद्देश्य एवं यही उद्देश्य अनुजाई आम आज कौन कर आंसर करने को चेस्टा कर। तो आपण फर्स्ट क्वेश्चन है से पचारे द हु रोड द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। तो आपणर आंसर हम क्वेश्चन नंबर वन आंसर हम ऑप्शन बी सैमुअल पी हंटिंगटन ठीक अच्छे। तो ऑप्शन बी है आपणर क्वेश्चन नंबर वन पे ओके बुझला ना ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल लॉ मीन्स द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर ऑफ अदर स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर हो ऑप्शन ए ओके। तो आपण ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर ओके ठीक अच्छे। तो यहाँ टे मैच करेंगे आपर नेक्स्ट आसा आप क्वेश्चन नंबर थर्ड द टर्म ग्लोबल साउथ रेफर टू ऑप्शन बी डेवलपिंग कंट्री ओके ऑप्शन बी हूँ आपणर डेवलपिंग कंट्री द टर्म ग्लोबल साउथ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन बी ओके आशा करथिबि आपण आपको बुझीपे। तापर क्वेश्चन नंबर थर्ड पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ ह्विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एठ आपनर आंसर हम क्वेश्चन नंबर फोर आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी हला। तो क्वेश्चन नंबर फोर आप समस्ते मन रखिबे ऑप्शन सी हम आंसर ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर फोर ओके। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हूँ आपणर ओईसीडी ओके ऑप्शन सी। तापर बढ़िया क्वेश्चन नंबर फाइव को क्वेश्चन नंबर फाइव से कहले द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज ए कॉन्सेप्ट यूज्ड इन डिस्क्राइब ऑप्शन ए ओवर यूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्स। तो आपणर ये क्वेश्चन नंबर फाइव र आंसर हम ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए ओवर यूज ऑफ द रिसोर्स। सो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव ओके ठीक अच्छे बुझला ना ना। तापर क्वेश्चन नंबर फाइव रो ए परे क्वेश्चन नंबर सिक्स द वाशिंगटन कंसेंसस रेफर टू ऑप्शन बी हम आपर आंसर दैट वाशिंगटन कंसेंसस ए सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री ओके ओके। सो डेवलपिंग कंट्री पे गोटे सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी थिला ठीक अच्छे। तो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत बढ़िया ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर सिक्स रो बी परे क्वेश्चन नंबर सेवेन द ब्रिक्स कंट्री इंक्लूड ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका क्वेश्चन नंबर सेवेन ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेन बहुत बढ़िया ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। सो सॉफ्ट पावर क्वेश्चन नंबर एट ऑप्शन बी जोसेफ नाय ओके ओके। सो जोसेफ नाय फॉर क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन बी एज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर एट ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर एट ऑप्शन बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द टर्म न्यू लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन रेफर टू ऑप्शन बी द प्रमोशन ऑफ फ्री मार्केट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओके ओके। सो ऑप्शन बी आपर आंसर हम फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक अच्छे बुझला ना ना ओके।
ओके क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी देन आपणकर ऑप्शन 10 जेनेवा कन्वेंशन आर प्राइमरली कंसर्नड विथ एटा आपणर आंसर हबो ह्यूमन राइट इन वारफेयर ओके ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर हबो ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ह्यूमन राइट्स इन वारफेयर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा द क्वेश्चन नंबर 11 द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इज सिग्निफिकेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग एटा आपणर ऑप्शन हबो ठीक अच्छे ऑप्शन नहीं हम कौन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन नंबर 12 ओके क्वेश्चन नंबर 12 द टर्म रियल पॉलिटिक्स रेफर टू व्हाट ना पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड मटेरियल फैक्टर्स दैट इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 ओके ठीक अच्छे तो ये बुझीपे क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर हूँ ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 द यूरोपियन यूनियन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑप्शन बी एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑप्शन बी हूँ कौन एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन द यूरोपियन यूनियन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 द नॉन अलाइन मूवमेंट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑप्शन बी हम द कोल्ड वार एंड नॉन अलाइन मूवमेंट वाज क्रिएटेड ओके सो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 15 द ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन रेफर्स टू ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन रेफर टू मिलिटरी इंटरवेंशन टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूज मिलिटरी इंटरवेंशन टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट अब्यूज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी ओके देन क्वेश्चन नंबर 16 द पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट इट्स क्लाइमेट चेंज ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज द क्वेश्चन नंबर 16 देन क्वेश्चन नंबर 17 द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पावर कंबाइंस ऑप्शन सी हबो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर ऑप्शन सी ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर हो कौन ऑप्शन सी हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दैट नोन एज द स्मार्ट पावर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी इज द आंसर ठीक अच्छे ओके देन क्वेश्चन नंबर 18 हु इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओके सो आंसर हम ऑप्शन बी जॉन लॉक ओके सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी ओके बुझला ना नहीं तो बी हो कौन आपर क्वेश्चन नंबर 18 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच पॉलिटिकल थ्योरी एम्फासाइज द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटल चेंज आपणर ऑप्शन हम एट कौन सी मार्क्सिज्म ओके तो सी मार्क्सिज्म होची क्वेश्चन नंबर 19 ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तापर क्वेश्चन नंबर 20 हु रोट द रिपब्लिक ए डायलॉग ऑन जस्टिस एंड द आइडल स्टेट ओके तो आंसर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 ओके सो बुझला ना नहीं सो ऑप्शन ए हो क्वेश्चन नंबर 20 देन क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच थ्योरी आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड ओके सो ऑप्शन बी हम आंसर एटे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओके सो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 21 ठीक अच्छे बुझला ना नहीं ऑप्शन आपनकर बी हम एटे हला क्वेश्चन नंबर 21 देन क्वेश्चन 22 द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज सेंट्रल टू ऑप्शन सी यूटिलिटेरियनिज्म ओके सो यूटिलिटेरियनिज्म द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज तो ये आपर आंसर हम कौन ना ऑप्शन सी जुडिशियल जुडिशियरी इंटरप्रिट द लॉ law formulate and law implement by legislature and executive but interpret or review by whom it's a judicial so option c question number 23 option c for question number 23 thik achi bujhila na nahi option hoche apnar c then question number 23 okay then question number 24 the idea that law should be based on morality and ethics is associated with what option b natural law ओके सो नेचुरल लॉ होच कौन ना दैट इज डील्स विथ मोरालिटी एंड एथिक्स ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर कौन 24 बुझला ना नहीं ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 25
व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑप्शन बी आपण रहब कोन आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन बी बी देन क्वेश्चन नंबर 26 हु इज नोन फॉर द कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑब्वियसली एविडेंस ऑप्शन सी एविडेंस द कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ डायरेक्ट फ्रॉम आवर नोट दिस क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओके सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 27 बुझला ना नहीं ठीक अछि देन क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी ओके सो आंसर हम यहाँ कौन ऑप्शन बी हम ईसाया बर्लिन हूँ कौन ना कॉन्सेप्ट फेमस फॉर द नेगेटिव लिबर्टी ठीक अच्छे ऑप्शन बी फॉर द योर क्वेश्चन नंबर 28 ओके देन क्वेश्चन नंबर 29 पॉजिटिव लिबर्टी रेफर टू व्हाट पॉजिटिव लिबर्टी रेफर टू ऑप्शन सी द फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी ओके सो ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29 पॉजिटिव लिबर्टी दैट डील्स विथ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी और वी कैन से दैट फ्रीडम फ्रॉम वांट ताको पॉवर्टी मध्य कुहा जाए बुझिला ना नहीं ऑप्शन सी होची क्वेश्चन नंबर 29 ओके आशा करथबी बुझि पड़थबे क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 30 द हार्म प्रिंसिपल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विथ कौन ना ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल बा जेएस मिल बहुत बहुत इजी क्वेश्चन ओके ऑप्शन बी जेएस मिल द हार्म प्रिंसिपल ओके देन क्वेश्चन नंबर 31 हु रोट ऑन लिबर्टी ओके ऑब्वियसली जेएस मिल ऑप्शन सी ऑन लिबर्टी 1859 जेएस मिल ऑन लिबर्टी ओके क्वेश्चन नंबर 31 सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 व्हाट इज सिविल लिबर्टी पर्सनल फ्रीडम प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 33 हु इज नोन फॉर द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जॉन रॉल्स रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और वी कैन से दैट द कांसेप्ट ऑफ फेयरनेस ओके सो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन बी देन द क्वेश्चन नंबर 34 द आइडिया दैट इंडिविजुअल शुड हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ इज नोन एज व्हाट इट इज ऑप्शन बी द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओके सो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 34 बुझला ना नहीं ऑप्शन बी हो क्वेश्चन नंबर 34 देन क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच थ्योरी एम्फसाइज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू अचीव इक्वालिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ओके तो आंसर कौन हम ये ऑप्शन सी हम ना सोशियालिज्म टॉक अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी ओके तो ये ऑप्शन कौन हम सी हम आंसर क्वेश्चन नंबर 35 ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हु आर्ग्यूड फॉर द वेल ऑफ इग्नोरेंस एज ए मेथड टू एनश्योर फेयरनेस ऑब्वियसली जॉन रॉल्स ऑप्शन बी ओके जगजाहिर क्वेश्चन ओके ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 36 बुझला ना नहीं तो क्वेश्चन नंबर 36 देन क्वेश्चन 37 ओके जेंडर इक्वालिटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ फेमिनिज्म ऑप्शन बी फेमिनिज्म देन प्लाटो क्वेश्चन नंबर 38 प्लाटोस आइडल स्टेट इज रूल्ड बाय फिलोसोफर तो ऑप्शन सी फिलोसोफर ओके सो ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 38 बुझला ना नहीं ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ प्लाटोस रिपब्लिक मेन थीम जस्टिस प्लाटोंकर जो रिपब्लिक अच्छे तार फुल नाँटा कौन कौन कंसर्निंग जस्टिस ठीक अच्छे तो कंसर्निंग जस्टिस हूँ प्लाटोंकर रिपब्लिक बुक्र टाइटल तो ऑप्शन बी आप जस्टिस हम आर करेक्ट आंसर 39 रो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर देन 40 व्हिच क्लास डिड प्लाटो बिलीव शुड गवर्न द सोसाइटी ऑब्वियसली ऑप्शन सी द फिलोसोफर किंग ओके देन क्वेश्चन नंबर 41 द रिपब्लिक प्लाटो डिस्क्राइब द एलिगोरी ऑफ व्हाट द केप ऑप्शन ए केप ओके 41 रो आंसर ऑप्शन ए 42 अकॉर्डिंग टू प्लाटो व्हाट आर द थ्री पार्ट ऑफ सोल्स रीजन स्पिरिट एंड एपिटाइट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 42 बुझला ना नहीं सो 42 ऑप्शन ए रीजन स्पिरिट एंड एपिटाइट
देन क्वेश्चन नंबर 43, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी इज ए मिक्स ऑफ व्हाट? ना इट इज ए डेमोक्रेसी एंड ऑलिगार्की। सो ऑप्शन बी हो आंसर, ना डेमोक्रेसी और ऑलिगार्की अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 43। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अरिस्टोटल्स बुक पॉलिटिक्स? ऑब्वियसली ऑप्शन बी पॉलिटिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 45, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन इज रेफर टू व्हाट? इट्स ए मॉडरेट एक्शन। ओके, गोल्डन मीन ऑफ गोल्डन रूल, मॉडरेट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 45 बी, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 45। देन क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द पर्पोज ऑफ द स्टेट इज टू व्हाट? द प्रमोट द गुड लाइफ। ओके ओके ओके, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 46। देन 47, अरिस्टोटल कैटेगराइज द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन व्हाट? रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू एंड रूल ऑफ मेनी। ओके ओके, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 47। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बुझला ना नहीं? द क्वेश्चन नंबर 48, ओके ओके 48, माकियावेली इज द बेस्ट नोन फॉर व्हिच पॉलिटिकल वर्क? द प्रिंस, ऑप्शन ए। देन 49, माकियावेली पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑफन describe as what? The realistic. Okay, okay. Then question number 50, according to Machiavelli, it is better for a ruler to be what? Option B, feared than loved. Option B, feared than loved. So option B for question number 50. Okay, okay. Option B for question number 50. Then question number 51, which of the following best describe the Machiavelli's view on morality and politics? Now, option B, they should be kept separate. Okay, so option B for question number 51, they should be kept separate. ठीक अच्छे, बुझला ना नहीं? तो question number 51, option B, B is answer. Then question number 52, who wrote Leviathan? Very easy question, Thomas Hobbes. Okay, okay, option B for question number 52. Okay, then 53, Hobbes believed that in the state of nature, life would be what? Solitary, poor, nasty, brutish and short. Option B, okay, okay, question number 53, option B. Then 54, Hobbes argued that the best form of government is C, monarchy. Absolute monarchy, okay, absolute sovereignty. Monarchy has absolute sovereignty. So option C for question number 54. For 55, according to Hobbes, the social contract is an agreement between option C of a citizen themselves. Akuman rakho samaste nijo nijo answer check karo kon sabu select karicho. Hobbes ko jo social contract thila seta citizen ko madhyare hi thila. The contract is all against all. मन पकाओ तंगरो statement को. तो contract कौन? Contract हो जी कौन? मुँह मानुची law दारा, तम्हे मतो मानु law दारा. तो citizen मध्यरे इटा contract ही थिला. अपन और जो ruler बस sovereignty हो जी. से वो जी third party, से contract रो part नहीं. तो citizen और ruler इटा wrong ही जी को. Citizen themselves, citizen का मध्यरे ही contract ही थिला. Option C हो answer. 55 ऑप्शन सी, सी हो ची आंसर, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 55। ओके 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 सर। देन सर क्वेश्चन नंबर 56, जॉन लॉक इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी नेचुरल राइट? ऑप्शन बी, ऑब्वियसली बी 56। देन 57, लॉक बिलीव दैट द प्राइमरी पर्पोज ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट? ऑप्शन सी। ओके ओके, देन 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ लॉक्स नेचुरल राइट? ऑप्शन डी हैप्पीनेस, ऑप्शन डी हैप्पीनेस। ओके सो तो ऑप्शन डी देखले हमें कौन देखले ना सर, हमें देखले हैप्पीनेस देखले। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया। देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू लॉ, इफ ए गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इट्स सिटीजन, द पीपुल हैव द राइट टू रिवोल्ट। ओके, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 59। ओके, देन 60, हु रोड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? जीन जैकोस रूसो, ऑप्शन बी रूसो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 61, रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल रेफर टू द विल ऑफ द पीपुल, ऑप्शन बी। Then 62, according to Rousseau, the social contract is an agreement to protect individual rights. Okay, then 63,
63 रूसो बिलीव दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑप्शन बी रूसो क्रिटिसाइज करथिले प्राइवेट प्रॉपर्टी को रूसो क्रिटिसाइज करथिले मॉडर्निटी को रूसो क्रिटिसाइज करथिले आपनकर कोन जो रीजन को तो ऑप्शन ऑप्शन बी बी फॉर क्वेश्चन नंबर 63 बुझला ना नाही ठीक अछि देन आपनकर 64 कार्ल मार्क्स इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 65 मार्क्स आर्ग्यू दैट हिस्ट्री इज प्राइमरली डिवेन बाय क्लास स्ट्रगल ऑप्शन सी देन 66 अकॉर्डिंग टू मार्क्स द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर ओके ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 66 67 मार्क्स बिलीव्ड दैट द इवेंचुअल आउटकम ऑफ क्लास स्ट्रगल वुड बी द एबोल्यूशन ऑफ क्लासेस ओके ऑप्शन सी हो ओके ठीक अछि एबोल्यूशन ऑफ क्लासेस ओके ठीक अछि तो द इवेंचुअल आउटकम कौन हम क्लास स्ट्रगल द्वारा कौन हम ना क्लास रो एबोल्यूशन ही हम शेष सेटा ही हम से कार्ल मार्क्स कही बुझा पड़ना तापर 68 द हु रोट ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑप्शन ए जॉन रॉल्स ठीक अछि देन 69 रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एज ए फेयरनेस इंक्लूड द आइडिया ऑफ व्हाट द जस्टिस ए फेयरनेस इंक्लूड द आइडिया ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस ओके वेल ऑफ इग्नोरेंस ऑप्शन सी 69 ऑप्शन सी देन 70 अकॉर्डिंग टू रॉल्स इनइक्वालिटी इन सोसाइटी आर एप्लीकेबल इफ दैट बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज दैट बेनिफिट द ओस्ट ऑफ सो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 70 देन क्वेश्चन नंबर 71 ओरिजिनल पोजिशन इज ए कन्सेप्ट ऑफ व्हाट द इलस्ट्रेट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बी हम क्वेश्चन नंबर 71 ओके बी फॉर 71 ठीक अच्छे ओके देन 72 रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विथ ऑप्शन डी लिबरालिज्म बी लिबरालिज्म ओके रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ठीक अच्छे बहुत बढ़िया देन 73 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली डील्स विथ व्हाट ना इट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑप्शन सी सो 73 रो ऑप्शन सी हबो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी देन 74 हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इजी क्वेश्चन वुड्रो विल्सन ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन कंसीडर द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बी फॉर 74 75 द कन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड बाय मार्क्स वेबर ऑप्शन सी मार्क्स वेबर ठीक अछि देन 76 इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल ना ऑप्शन ए नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज ओके 76 ऑप्शन ए 77 द टर्म रेड टैप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू ब्यूरोक्रेटिक डिले ऑप्शन बी द टर्म रेड टैप 77 कौन ऑप्शन बी 78 पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ओके पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ऑप्शन बी देन 79 व्हिच सोशियोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ पावर एलिट दैट इज ऑप्शन सी सिरोटो मिल ओके डायरेक्ट फ्रॉम आवर नोट पेड पीडीएफ ठीक अछि ऑप्शन सी सिरोटो मिल द कौन द पावर एलिट 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 80 द टर्म पॉलिटिकल कल्चर रेफर टू ऑप्शन सी द एटीट्यूड बिलीव्स वैल्यू अबाउट पॉलिटिक्स इन ए सोसाइटी ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 81 पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल एक्वायर द पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन बी डायरेक्ट फ्रॉम आवर पेड नोट दिस क्वेश्चन्स ओके क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन बी देन 82 द कन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनी इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विथ एंटोनियो ग्राम्सी ऑप्शन ए एंटोनियो ग्राम्सी ऑप्शन ए 84 द थ्योरी ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन एम्फसाइज ऑन व्हाट रियलिज्म द रोल ऑफ द पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑप्शन सी रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 84 देन 85 हु इज कंसीडर्ड एज ए लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन सी हांस जेमरगन थाउ ठीक अछि ऑप्शन सी फॉर 85 क्वेश्चन नंबर 85 देन 86 द कांसेप्ट ऑफ शॉर्ट पावर वाज पॉपुलराइज बाय हुम जोसेफ नाय ऑप्शन ए जोसेफ नाय देन यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 1945 ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 87
गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन इज टू व्हाट एनालाइज अ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन ऑप्शन सी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 88 बुझला ना नहीं देन 89 प्रिजनर डिलेमा इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉन कोऑपरेटिव गेम ऑप्शन बी हूँ कौन ना क्वेश्चन नंबर 89 प्रिजनर डिलेमा इज एग्जांपल ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम कारण एटा गोटे पॉजिटिव सम गेम नुहे एटा गोटे कोऑपरेटिव गेम नुहे एटे मध्ये जीरो सम गेम नुहे कारण जणे एठे पाउचे इन कंपेरेटिव टू अदर नॉन कोऑपरेटिव गेम कौन जदि गेम थ्योरी आपण पढ़ी गेम थ्योरी प्रिजनर डिलेमा अछि जोटा कि सेमानो भितरे कोऑपरेशन न थाए ठीक अच्छे बुझला सेटा नॉन कोऑपरेशन थाए जहाँफल दिजन जा प्रिजनर कौन पाती ना पनिशमेंट पाती आउ कौन इम्प्रिजमेंट हूँ तो ताकू आम गपा भाई पढ़ी तो क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन बी बुझला ना नहीं ऑप्शन बी जो होची क्वेश्चन नंबर 89 देन नाश इक्विलिब्रियम आपको मुझेपर डायरेक्ट आम पीडीएफ रु आश इक्विलिब्रियम इन गेम थ्योरी नाश इक्विलिब्रियम रेफर टू व्हाट ना ए स्टेट व्वेर नो प्लेयर कैन बेनिफिट बाय चेंजिंग देयर स्ट्राटेजी यूनिलैटरली ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन ए हूँ क्वेश्चन नंबर 90 देन 91 हु इज द ऑथर ऑफ द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न डायरेक्ट आम नोट्रु आड नोट्रु आप देखिपारे जो नोट्रे आम गेम थ्योरी कथा डिस्कसन कर तो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 91 ओके देन क्वेश्चन नंबर 92 कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर डिटरेंस ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 92 बुझला ना नहीं तो बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन बी देन 93 बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी सजेस्ट दैट पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल स्टेट टू प्रिवेंट एनी वन स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू पावर ओके ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 93 देन 94 सिक्योरिटी डिलेमा इन इंटरनेशनल रिलेशन रेफर टू अ कंपटीशन बिटवीन स्टेट टू अचीव द मिलिटरी सुपेरियरिटी तो ऑप्शन बी 94 ऑप्शन बी देन 95 कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन फोकस ऑन व्हाट सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी एंड आइडेंटिटी ऑप्शन बी द क्वेश्चन नंबर 95 96 हु इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दैट इज ऑब्वियसली इमानुएल कांत डायरेक्ट आम पेड नोट रे क्वेश्चन आसी पीडीएफ रे अच्छे देखिपर तो 96 रो आंसर हूँ ऑप्शन ए बुझला ना नहीं तो ऑप्शन ए हूँ 96 ठीक अच्छे 97 व्हिच कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट डेमोक्रेसी आर लेस लाइकली टू गो टू वार विथ इच अदर यहाँ हूँ आपर ऑप्शन बी हम लिबरालिज्म ओके आपर ये कौन हम ये हम कॉन्सेप्ट दैट डेमोक्रेसी आर लेस लाइकली टू गो टू वार विथ इच अदर ये आप डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हो पाए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हो पाए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ऑप्शन सी हो पाए से कौन कह व्हिच कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ऑप्शन सी हम आंसर ठीक अच्छे बी मध्ये हो पाए कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये बहुत अप्रोप्रिएट लगुच ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट जापर कोल्ड वॉर प्राइमरली इनवॉल्व कौन ना आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ऑप्शन सी हूँ आप आंसर ये ओके क्वेश्चन नंबर 98 रो ऑप्शन सी आंसर देन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस रेफर टू व्हाट ना कोऑपरेशन अमंग स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर टू मैनेज द ग्लोबल इश्यू ऑप्शन आपणर बी होगा कौन 99 क्वेश्चन रो देन 100 क्वेश्चन आसला कौन ब्रिटेन वुड सिस्टम एस्टाब्लीश्ड द व्हाट आम कहीपर ब्रिटेन वुड सिस्टम एस्टाब्लीश द आईएमएफ और द वर्ल्ड बैंक ऑप्शन सी हूँ आंसर तो यही हूँ आपणकर गोटे फटाफट 100 क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे यह आपणकर पेपर थर्ड पॉलिटिकल साइंस रो आंसर की नॉन ऑफिशियल आंसर की मुकी मोर पार पर्यंत रिव्यू करी आपको सठिक आंसर प्रोवाइड करने चेष्टा करी आउ गोटे कथा कही रखी ओके बुझा चेष्टा करेंगे जे मोर कौन रंग आंसर प्रोवाइड करवा आपण उद्देश्य ना जहाँ प्रोवाइड करदी आप फिल करोटे क्वेश्चन रे डाउट अच्छी बा रंग आंसर आप लगुच कमेंट रे मते मेसेज करें रिव्यू करी आउ थे आंसर कहबी बुझला ना ना आशा करते बुझीपारे कारण मुझे जड़े मनीष आ जड़े लोक ही वीडियो करवा क्वेश्चन को आनालाइज करवा वीडियो अपलोड करवा तो टिके टिपिकल टास्क हो जाए तो कौटे केमती भूल भाल कहीदारे थे जितने भूल लगुता है तो तार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट किंबा तार
आंसर कौन हो मत सेयर कले पुणी आउ थे देखिकी आंसर करने को चेष्टा करी। ठीक अच्छे आपण जहाँ भी कमेंट अच्छे आप कमेंट में जनइबे जे आपण केक्ट कले आपण कटअप कौन के रहा तो जनइले गोटे कटअप करी वीडियो केमती करी ना आपड़ निजर निजर पर्सनाल स्कोर कले कंपेरेटिवली आनालाइज कर गोटे कटअप कटअप वीडियो आनीपरि बुझला ना नाई। ठीक अच्छे तो जहाँफल आप निश्चित हो जाए कत कटअप कौन जापर प्रतिद्वंदी केत कटअप के मार्क रखिंट बुझला केते जन केते मार्क अन्य सांग रखिंट आपड़ केमी जानते जो आप आमर कौन मार्क को सेयर कले मो सहित मुझे गोटे कटअपटा कह बुझला तो ये जिनसा मतलब सेयर करूँ कटअप कहबी तापर आप इंटरव्यू पे प्रिपेयर हे दे रिजल्ट आसला तुम आपर निजुक्ति हो। ठीक अच्छे तो आशा करी ए प्रयास भल लगी आपड़ जहाँ भी फीडबैक अच्छी कमेंट रे जनातु आपण जेकोसी फीडबैक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दैट इज वेलकम एंड इट्स ए डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म एंड यू गाइस द रियल मोटिवेटर टू मोटिवेट मी फॉर वर्क इन द मिडिल नाइट एंड विदाउट स्लीप आई एम वर्किंग फॉर यू सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी मच इन्फॉर्मेटिव एंड योर सक्सेस इज आवर ड्रीम। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।